भारत श्रीलंका के बीच तीन T20 मैच की सीरीज के पहले मैच में भारत ने श्रीलंका को एक तरफा मुकाबले में 62 रन से हरा दिया। लखनऊ के अटल बिहारी वाजपेयी इकाना स्टेडियम में खेले गए मैच में रोहित शर्मा की कप्तानी में टीम इंडिया ने टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 199 रन बनाए। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि कर्नाटक में एक बार फिर से माय 11 सर्कल की वापसी हो चुकी है और इंडिया वर्सेज श्रीलंका T20 सीरीज को आप माय 11 सर्कल पर खेलकर लाखों रुपए कमा सकते हैं, क्योंकि इस ऐप को डाउनलोड करते ही आपको मिलेगा 1500 रुपए का बोनस और फर्स्ट डिपॉजिट पर आपको 20% एक्स्ट्रा कैशबैक मिलने वाला है। आपको पता है कि माय 11 सर्कल के ब्रांड एम्बेसडर आजिक रहाड़े, सौरभ गांगुली, बीबीएस लक्ष्मण है और यदि आपकी टीम बीबीएस लक्ष्मण को हरा देती है तो आपको मिलेगा आपकी विनिंग का 5 गुना ज़्यादा कैश और यदि आप फर्स्ट आ जाते हैं तो आपको मिलेगी महिंद्रा थार। तो इंतजार किस चीज़ का, अभी वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में फटाफट माय 11 सर्कल को डाउनलोड कीजिए। और मेहमान टीम के सामने 200 रनों का टारगेट दिया, जिसका पीछा करते हुए श्रीलंका टीम कभी भी मैच में नहीं दिखी। रोहित शर्मा टॉस जरूर हार गए थे लेकिन उन्होंने ईशान किशन के साथ टीम को बेहतरीन ओपनिंग साझेदारी दी। ईशान किशन और रोहित शर्मा ने पहले विकेट के लिए 111 रन जोड़े। टीम इंडिया के लिए ईशान किशन ने शानदार 89 रनों की पारी खेली। रोहित शर्मा ने भी 44 रन बनाए, जबकि श्रेयस अय्यर ने अंत में ताबड़तोड़ 57 रनों की पारी खेली। अय्यर ने 28 गेंदों में ये रन बनाए और 5 चौकों के अलावा 2 छक्के भी लगाए। अब टीम इंडिया ने एक बढ़िया रिकॉर्ड बनाया है। टीम इंडिया ने इस जीत के साथ T20 में लगातार 10 जीत पूरी कर ली है। ये पहली बार है जब टीम इंडिया ने लगातार 10 T20 इंटरनेशनल मैच जीते हैं। जब से भारत T20 वर्ल्ड कप से बाहर हुई तब से टीम इंडिया ने कोई मैच नहीं हारा। टीम इंडिया के लिए आज 2 गेंदबाज वापसी कर रहे थे, जिसमें जसप्रीत बुमराह और रविंद्र जडेजा शामिल थे। 200 रनों के टारगेट का पीछा करने उतरी श्रीलंकाई टीम को भारतीय गेंदबाजों ने किसी भी वक्त में मैच में आने का मौका नहीं दिया। भुवनेश्वर कुमार ने मैच पहली ही गेंद पर विकेट लिया। इसके बाद शुरू में ही उन्होंने एक और झटका लंकन टीम को दिया। भुवनेश्वर के अलावा वेंकटेश अय्यर ने टीम इंडिया के लिए 2 विकेट लिए, जबकि यूजी चहल और रविंद्र जडेजा को 1-1 विकेट मिला। हर्षल पटेल और जसप्रीत बुमराह को विकेट भले ही नहीं मिला लेकिन उन्होंने गेंदबाजी शानदार की। टीम इंडिया में आपका फेवरेट खिलाड़ी कौन है, हमें कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें। वीडियो के डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में माय 11 सर्कल को डाउनलोड करना ना भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। दिस गेम इन्वॉल्व एन एलिमेंट ऑफ फाइनेंशियल रिस्क एंड मे बी एडिक्टिव, प्लीज प्ले रिस्पॉन्सिबली एंड एट योर ओन रिस्क।